हेलो, सलाम अलैकुम। सुबह हो गई है। कैसे हैं आप लोग? अभी सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं और आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ। मैंने उठा, नमाज़ पढ़ा, उसके बाद वीडियो बनाना शुरू किया। आपको मैं बता दूँ, बहुत दिनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, तो मैं आप लोग का हालचाल नहीं जानती। दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आपको ये बताने में मुझे बहुत खुशी होगी कि इस वाले व्लॉग में आपको मैं बहुत अच्छी जगह का सैर कराने जा रही हूँ, बहुत अच्छी जगह का। अभी 6 बज रहे हैं, अभी मैंने अपना बैग पैक कर लिया है और मुझे अभी अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है। तो आपको मैं बता दूँ, बहुत सस्पेंस रखने से पहले, कि मेरे को निकलना है श्रीनगर के लिए अभी थोड़ी देर में। तो मैं अभी जाऊँगी यहाँ से अपने फ्रेंड के यहाँ, वहाँ फ्रेंड के यहाँ आपको मैं जम्मू टू कश्मीर के रास्ते के बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊँगी। फिर कश्मीर पहुँचने के बाद दूसरे ब्लॉग्स बनेंगे। इन सभी सफ़र में मेरे साथ बने रहिएगा और आगे मेरा वीडियो देखते रहिए। मैंने निकलना था तो मैंने एक प्रॉब्लम होगी, ये गेट बंद है, चाबी किसके पास है? क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के यहाँ ठहरी थी तो मुझे इधर का कुछ नहीं पता, ये बंद है। बात करती हूँ, चाबी लगी हुई थी, मुझे यहाँ का नहीं पता क्योंकि मैं अपने यहाँ सिस्टर के यहाँ ठहरी हूँ। तो मैंने सिस्टर को भी आवाज़ दी तो सिस्टर्स आ रही हैं, वो आके खोल देंगी गेट। सलाम सर, या मतलब हुशियार बस दुगा आराम से दे। और आप लोगों को एक खुशखबरी बता दूं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल कौन सा डेट था वैसे? कल 26 मार्च को 12th कारगिल वालों का रिजल्ट निकला था, कारगिल 2020 वालों का, 12th वालों का। और मैंने भी दिया हुआ था तो मेरा भी रिजल्ट निकला है। और आपको मैं बताते चलूँ कि मेरा भी ठीक ही है, 412 मार्क्स है, परसेंटेज निकाले 32.4 आता है। आई एम हैप्पी विद माई मार्क्स, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैं अपने फ्रेंड को पिक करने जा रही हूँ, तो उसको पिक तो किया, लेकिन मैं सुबह निकली थी लगभग 6:30 क्लॉक। अभी बज रहे बराबर 9:30। ये थोड़ा रास्ते का प्रॉब्लम था, इसीलिए थोड़ा ब्लॉक था आगे संभोगी साइड में, तो थोड़ा सा लेट डिले था। हम वेट कर रहे थे, अभी ड्राइवर साहब ने मुझे कॉल किया, बोले आगे वो आप आ जाओ। अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पर सरवाल चौक, वो चौक ड्राइवर मुझे पिकअप करने आएगा। और सारी मेरी फ्रेंड है ना, जो वो कैमरा में नहीं आना चाहती, तो मैं उसको नहीं दिखा पाऊँगी आप लोगों को। अच्छा फिर बने रहते हैं। अभी दिन के 11 बज रहे हैं, सुबह 6 बजे निकले थे हम, तो 6 बजे से 11 बजे तक गाड़ी का वेट। अभी गाड़ी पहुँच गई है, 6 बजे हो गए हैं, 6:11 बजे निकल रहे हैं। अब बहुत ट्रैफिक था तो बहुत लेट हो गया। अभी रामबन सिटी क्रॉस किया था, बट देखिए यहाँ पे कितना पोल्यूशन है। लेकिन मेरे पीछे का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। और हमारे सामान गिर गया अभी सर। आपका सफर जम्मू से रामबन तक बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। पता नहीं कौन सामान किसका क्या गिर गया, किसका क्या रह गया, वो पता ही नहीं रहा। उनको 35 साल हो गया सफर करते ही, ऐसा सफर कभी नहीं हुआ था। अच्छा, आज बहुत प्रॉब्लम हुआ आपको? आज का सफर हो गया, आज बहुत मुश्किल सामना पड़ा ना। अभी तक 4 बज गया, खाने का भी पता नहीं है, पेशाब को जाने के लिए भी वारा नहीं है।
अच्छा, एज एज क्या है आपकी, उम्र क्या है? 80 साल हो गया है। 80 साल है आपका। ये रास्ता खराब है बहुत, है ना? किस्मत भी खराब है। किस्मत नहीं, इंशाल्लाह हमारा गवर्नमेंट बनाएगा ये रास्ते जल्द से जल्द। अब बनाएंगे इंशाल्लाह, अच्छे दिन आएंगे हमारे। अगले जन्म में बनाएंगे, अब इस जन्म में तो नहीं होगी, अगले जन्म में। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम। अच्छा, बख्शीश। हेलो गाइस, अभी मैं बानीहाल पहुंच गई हूँ। बहुत बुरी हालत हो गई, रास्ता बहुत ख़राब था, ट्रैफिक था, क्या बताएं। और हमारा जो ऊपर लगेज थे वो बहुत ज़्यादा थे। हमारे यहाँ एक बुज़ुर्ग एक ओल्ड पर्सन है, तो उन्होंने शायद अपना पूरा रूम शिफ्ट कर रहे हैं वो श्रीनगर की तरफ, तो उनके बहुत सारे सामान थे, तो उसकी वजह से सामान में भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, कभी कभी गिर रहा था। लेकिन जो भी है, बहुत मज़ा आया। अभी हम बनिहाल पहुँचे हैं और हम लोग न्यू जाफर मुस्लिम रेस्टोरेंट होटल में खाना खाने वाले हैं। कश्मीरी वाजवान है, वहाँ पे हम खाना खाएंगे। और आपको बता दूँ, मैं खाना नहीं खा पाती, मतलब सफ़र में खाना नहीं खा पाती, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वॉमिटिंग होती है। इसलिए अब सब अंदर खाना खाने गए हैं। मैं नमकीन चाय एक कप पीऊँगी अगर मन किया तो। अभी बनिहाल पहुँचे, अभी टनल पहुँचेंगे, आगे पहुँचेंगे, दिखाते जाएंगे आपको। बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग जगह दिखाऊंगी मैं आप लोग को। तब तक के लिए खाना खाना जाती हूँ, बाय। थोड़ी देर में फिर से मिलती हूँ। बड़ी मुश्किलों के बाद, बहुत जद्दोजहद करने के बाद फाइनली मैं पहुंच गई हूँ। अभी मैं काजीगंज में हूँ। अभी बोलते हैं 1.5 घंटे का और सफ़र है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे श्रीनगर जन्नत कश्मीर। फाइनली फ्रेंड्स, हम कश्मीर में पहुंच गए हैं। अभी ये है काकसराय, तो यहाँ कुछ पैसेंजर्स के सामान उतार रहे हैं। मेरे को डल साइड जाना है, मेरे मामू वहाँ पे मुझे लेने आएंगे। डल हमारे वहाँ पे घर है, तो वहाँ हम जाएंगे। आज मैं आज दो दिन आज का रात मैं मामू की यहाँ गुजारूंगी, फिर कल आपको बता दूँ। कल संडे है और आप लोग को कश्मीर का संडे देखना है, तो कल मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो शेयर करें, और जो सब्सक्राइब बटन है वो दबा दीजिए, और साथ में घंटा होता है वो भी दबा दें। और दुआ करती हूँ आप सबके लाइफ भी बहुत अच्छी गई होगी, आज का दिन आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा जैसे मेरा गया। बहुत मज़ा आया आज के दिन में, हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिली। जो हमारे यहाँ पैसेंजर्स थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आया आज मुझे। दुआ करती हूँ आप लोग भी खुश रहें। अच्छा, फिर खुदा हाफिज़, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। इसलिए अभी के इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बाय।